हिंदू मुस्लिम करने वाला बिकाऊ मीडिया एक बार फिर हुआ शर्मसार। झूठ की खुली पोल। भारत में बेशर्मी से बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भारत सरकार की किरकिरी पूरे देश में हो रही है, तो वहीं कमर तोड़ महंगाई से जनता भी खासी परेशान नजर आ रही है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के पार पहुंच चुकी हैं। इस बीच बिकाऊ मीडिया सरकार से महंगाई की वजह पूछने से तो रहा, इसीलिए वह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के पेट्रोल डीजल की कीमतें ले आए। बिकाऊ मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 137 रुपए और डीजल की कीमत 134 INR बताई जा रही है। इस बीच भारत के दिग्गज पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने जब दोनों देशों के पेट्रोल डीजल की कीमतों की तुलना लोगों के सामने पेश की तो लोगों के होश उड़ गए। बिकाऊ मीडिया की हकीकत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऑल्ट न्यूज के मशहूर पत्रकार मोहम्मद जुबैर बिकाऊ मीडिया की पोल खोलते हुए कहते हैं, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 60 रुपए 35 पैसे INR, पाकिस्तान में डीजल की कीमत 58 रुपए 50 पैसे INR, भारत में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 77 पैसे INR, भारत में डीजल की कीमत 102 रुपए 15 पैसे INR। बिकाऊ मीडिया का झूठ एक बार फिर लोगों के सामने आ गया और सोशल मीडिया पर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर परवीन नाम के एक यूजर लिखते हैं, पाकिस्तान में लगभग हिंदुस्तान से आधी कीमत पर पेट्रोल और डीजल बिक रही है, लेकिन हमारे देश के बिकाऊ मीडिया बता रही है कि पाकिस्तान में आसमान छू रही महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम में हुआ भारी इजाफा, गजब का दोगलापन है। तो स्वरूप प्रसाद नाम के एक यूजर ने लिखा, अंग्रेज चले गए मगर गोडसे के औलाद को लूटने के लिए छोड़ गए। तो मनी नाम के एक यूजर ने लिखा, तेल को क्या पता था कि शेर पालना महंगा ही पड़ता है। तो एक यूजर लिखते हैं, फिर भी दलाल मीडिया को पाकिस्तान की महंगाई बहुत सता रही है, जैसे यहाँ गन्ने के भाव में मिलता है। तो एक यूजर लिखते हैं, मोड़ी जी का गुल्लू है। तो राजेश शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, पर जी न्यूज की खबर है ना, यही तो सोच रहा हूँ, सुबह तो पढ़ा था इतना, उन्होंने कुछ और बता दिया, जी न्यूज फर्जी खबर कास्ट करता रहता है। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो इस पर अपने रिएक्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।